निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज दरबार आलिया बनौर शरीफ पर 25 नवंबर को हजरत किबला पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का सालाना उर्स पाक हो रहा है, जिसमें कसीर तादाद में यहाँ पर जायरीन हाजिर हुए हैं, इंग्लैंड से, सऊदी अरब से, दुबई से, और यहाँ के भी मकामी जो लोग हैं, पूरी आजाद कश्मीर से तकरीबन लोग यहाँ पर हाजिरी देते हैं। और पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहब का शुमार खिजरी वलियों में होता है, और ये वो अजीम हस्ती हैं कि जब यहाँ पर कोई बीमार अगर उसको चारपाई पर उठाकर लेकर आते थे और वापस वो पैदल चल के जाया करता था। बेशुमार इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस इलाके में इनकी करामात लोग बयान करते हैं। हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो जिंदा हैं और वो आज भी उनकी करामात जो हैं वो बयान कर रहे हैं। और जनाब किबला पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, जो पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहब के बेटे हैं, जो या इस दरबार आलिया के गद्दी नशीन हैं, उन्होंने फिर अपने वालिद ग्रामी के मिशन को जारी रखते हुए पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब के जो दादा थे पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब, वो मखट शरीफ से यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए थे। और यहाँ पर आकर उन्होंने डेरा लगाया तो ये संगलाह पहाड़ थे, ना कोई आबादी थी, ना यहाँ पर इस वीराना ही वीराना था। लेकिन अल्लाह के वली की ये शान होती है कि अल्लाह के वली जहाँ पर डेरा लगाते हैं उस जंगल को मंगल बना देते हैं। तो यहाँ पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब ने जब डेरा लगाया तो लोगों को दीन की तालीम दी। कमोबेश आप तकरीबन 36 किताबों के मुसन्निफ थे। तो पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब ने यहाँ के लोगों को दीन की तालीम दी, दीन से रोशनास करवाया। और उसके बाद फिर उनके बेटे सैयद अकरम हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तिब के शोबा में लोगों की खिदमत की। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए किबला पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब ने यहाँ पर एक अजीम शान यूनिवर्सिटी, जो खवातीन की यूनिवर्सिटी के नाम से मनसूब है, इसका क्याम अमल में लाया है, जहाँ पर माशाल्लाह तकरीबन 1100 से जायद बच्चियां सिलाई और कढ़ाई का काम सीखकर अपने अपने घरों में जा चुकी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 लड़कियां जो है वो सिलाई और कढ़ाई का काम सीख रही हैं। और दूसरा यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो कंप्यूटर की तालीम भी हासिल कर रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हुफाज किराम कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। आज भी माशाल्लाह 3 हुफाज किराम की यहाँ पर दस्तारबंदी की गई है। तो पीर साहब ने अपने दादा और अपने नाने के मिशन को जारी रखते हुए यहाँ पर 4 एम्बुलेंस सर्विस जो पीर साहब ने यहाँ पर मुहैया की है, लोगों को बीमार और मरीज लोगों को यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के लिए। और इसके अलावा फगवाड़ी के मकाम पर एक अजीम शान इंटरनेशनल हॉस्पिटल का क्याम भी अमल में लाया गया, जिसका काम जोरों शोर से जारी है। तो ये सारे मामला पीर साहब ने अपने दादे और अपने नाने के मामला को जारी रखते हुए माशाल्लाह उन्होंने इनका आगाज किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहब का फैज जो है ना वो तकसीम किया जा रहा है। अन्नूर इस्लामी यूनिवर्सिटी, अन्नूर इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अन्नूर एम्बुलेंस सर्विस का क्याम पीर साहब ने अमल में लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह फलाह इंसानी के हवाले से पीर सैयद इकराम हुसैन शाह साहब काम कर रहे हैं। और आज बेशुमार लोग इस अकीदत और मोहब्बत को लेकर बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से आज की इस बाबर तकरीब में शामिल हुए। अकीदतमंदों और जायरीन को मेरा ये पैगाम है कि पीर साहब का जो मिशन है उसको जारी रखें, फलाह इंसानियत के हवाले से जो उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं तो पीर साहब के साथ उनके साथ जो उनके मरीदीन हैं उनके साथ तआवुन करें। और पीर साहब के जो अहकामात हैं, जो नसीहतें हैं, यहाँ पर जो हदायत नामा पढ़ा जाता है हर साल, उस पर जायरीन से गुजारिश है कि, और उनके मुरीदीन से भी गुजारिश है कि उस पर अमल करें। और नमाज पंजगाना की पीर साहब का सख्ती से हुक्म है कि नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। और पीर साहब का हुक्म है कि जिस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेजे की नोक कर कुरान की तिलावत पढ़ी है, उसी तरह आप लोग भी अपने अपने घरों में कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक पर अमल करें। और जिस तरह इमाम अली मुकाम ने अपना सर सजदे की हालत में कटाया, उस सजदे को मद्देनजर रखते हुए आप लोग नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, इंसानियत के साथ प्यार करें। पीर साहब का सबसे बड़ा जो दर्स है वो है कि इंसानियत के साथ प्यार करें। और आपका ये मैसेज है कि जियो इस अदा से कि जिंदगी भी रश करे, जियो इस अदा से कि जिंदगी भी रश करे, मरो तो मौत भी पूछे कि कौन मर गया लोगों। ये हमारा मिशन है, ये हमारा पैगाम है तमाम सुनने वाले सामीन के लिए। पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहब की जो रूहानी और तिब्बी खिदमात थी उनके पूरे आज़ाद कश्मीर में दायरे जो है मुतरफ हैं। और मैंने जो सुना है कि पीर अकरम हुसैन शाह साहब की हाथ में ऐसी शफा थी कि जो मरीज चारपाई पे आते थे, दुरुस्त फरमाया था वो अपना पीर साहब ने कि चारपाई पे आते थे और चल कर वापस जाते थे,
और यहाँ से बहुत हद तक लोग रूहानी फैजियाब होते रहे। आज भी वो सिलसिला पीर अकरम हुसैन शाह साहब ने बदस्तूर चलाया हुआ है और यहाँ हर रोज हजारों सैकड़ों के हिसाब से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और रूहानी फैज और बरकत लेकर जाते हैं। और यहाँ सालाना हर साल 24, 25 और 26 नवंबर को सालाना उर्स शरीफ होता है जहाँ हजारों की तादाद में नातखान उलमा इकराम आके यहाँ तकारीर और नातखानी करते हैं और ज़ायरीन आके ये आज भी बल्कि 1 बजे दिन दुआ हुई है और अभी ज़ायरीन को खाना लंगर तकसीम किया जा रहा है और लोग अब बरकात समेट के वापस जा रहे हैं। किबला पीर साहब की रिवायत को बरकरार रखते हुए किबला पीर सैयद इकराम हुसैन साहब को गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो पीर साहब ने उस वक्त खिदमत जब इंतहाई बेयार मददगार थे। यहाँ कोई अस्पताल नहीं था, तो डॉक्टर नहीं था, तो आप डॉक्टर भी थे, उलिया अल्लाह भी थे, आपने रूहानी इलाज किया इस इलाके में। बहुत जो दुखी इंसानियत की आपने बहुत बड़ी खिदमत की बरकरार रखते हुए शाह साहब ने अपने वालिद के नक्शे कदम चलते हुए 4 चांद लगा दिए इस बनोहर को और इस इलाके को। आप तो इस वक्त तो इंशाल्लाह ये पीर साहब तो रूहानी इलाज से भी यूरोप की मसाराओं में भी वो जहाँ जाकर अपना वो डंका बजाया इलम का और वो अपने अपने पीर मुर्शिद अपने वालिद और दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने बहुत वसत दी है, इलम की तरफ बहुत तरक्की दे रहे हैं और फिर इंसानी खिदमत होती है, एम्बुलेंस, अस्पताल। तो थाम लो, कुरान वालों को ना थामो, तुम्हारा ईमान नहीं बचेगा इस तरह। मेरे आका फरमाते रहे, कभी अली का बाजू पकड़ के फरमाते, मन कुंत मौला फहाजा फरीदुन मौला, मन कुंत मौला फअलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जमा करके फरमाते, फिर मौलाए कायनात अली उल मुर्तज़ा शेख साहब जो सीनाए मुस्तफा से चिंता करते थे, जिन्होंने ज़बान नहीं खोली थी जब तक लावे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चला गया था, जब तक आंखों पे उम्र मुस्ते मुस्तफा ना लगी थी, आंखें नहीं खोली थी। जब विलादत हुई थी तो लोगों ने आप घर वालों ने समझा शायद नौज़ुबिल्लाह ये नबीना पैदा हुए हैं, गूंगे पैदा हुए हैं, ना आंखें खोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, लेकिन जब मेरी आंखें आए तो आंखें भी खोल दी, बोलना भी। तो जिसने आगोश मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरबियत पाई हो उनके नफ्स की बात क्या करनी, वो नफ्स सिर्फ नफ्स मुतमाइना नहीं, वो सिर्फ मुतमाइना नफ्स नहीं बल्कि बारी ताला ने फरमाया या अय्या तुहन नफ्सुल मुतमाइना इर्जिई इला रब्बिके रादियतन मर्दिया, आ जाओ अपने रब की जाने कि रब तुमसे राजी है, तुम रब से राजी, सब कुछ देखा भी रब पर राजी, हर कोई नहीं होता, जिसका कुछ चला जाए वो रोता है, परेशान होता है, घबराता है, हर किसी के सामने जाकर टकरे मारता है, लेकिन रब फरमा रहा है मैं तुमसे राजी, तुम मेरे से राजी। सिर्फ राजी का ही नहीं फरमाया, आगे फरमाया फद खोली फी और बाद ही मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, मोरा कोई तेरे बंदों में दाखिल हो जाए तूने देता क्या है। फरमाता है मेरा कुरान पढ़ो, जो मेरा बंदा बन जाता है मैं रब होकर अपने बंदे को सलाम भेजता हूँ, मैं रब होकर अपने बंदे को सलाम भेजता हूँ। फरमाया कुरान मजीद में सलाम अला इब्राहिम, मेरे इब्राहिम पर सलाम हो, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, मुहसिनों को मैं ऐसे ही जज़ा देता हूँ, इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन, वो मेरे मोमिन बंदों में से। अपने प्यारे हबीब की प्यारी दुआ का सदका जितने हाजिर मौजूद हैं सब के दिली मरादा पूरी फरमा, असा सारे रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सच बोलने की तौफीक अता फरमा, सच्चे लोगों का साथ नसीब फरमा, जितनी भी बीमारियां लेकर आए सब
سب لگیاں بیماریاں اپنے پیارے حبیب جی ولادت پاک کا صدقہ، ہمارے کربلا کا صدقہ، سب لگیاں بیماریاں شفا ہوئی تبدیل۔